उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश पर परीक्षा को ढंग से कराने के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। इस नीति में परीक्षा संचालित कराने वाले केंद्र को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार परीक्षा केंद्र बस अड्डा और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। इसके साथ ही परीक्षा कराने वाले केंद्र को परीक्षा कराने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने परीक्षाओं को लीक से बचाने के लिए उठाए ये कदम। इस नीति में परीक्षा केंद्रों को सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार अब उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा होगी जो शहर की आबादी के अंदर होंगे। साथ ही उन केंद्रों तक पहुंचने के लिए स्टेशन से साधन की व्यवस्था होगी। इस निर्देश के अलावा मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर हो जहां पीने का पानी, शौचालय व भवन की बाउंड्री मजबूत हो। इसके अतिरिक्त बिजली, ओज, जनरेटर की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन केंद्रों पर CCTV चालू हालत में होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के चयन के लिए DM की अध्यक्षता के सीमित बनाई जाएगी। केंद्र के श्रेणी बी में बांटा गया है। श्रेणी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। श्रेणी बी में इसी श्रेणी के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एड स्कूलों को कॉलेज के केंद्र बनाया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड या विवादित स्कूल कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रिंट प्रेस को चुनने पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाएगी। प्रेस के बारे में अधिक लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही पेपर लीक से बचने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं जाएगी। इसी प्रेस का चुनाव किया जाएगा जहां चारों तरफ CCTV की निगरानी होगी। CCTV में रिकॉर्ड हुए फुटेज को अगले 1 साल तक सुरक्षित भी रखा जाएगा जिससे पेपर लीक होने पर कार्रवाई की जा सके। परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर की नियुक्ति अब परीक्षा शुरू होने से महज 30 मिनट पहले होगी। प्रवेश में 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनका चुनाव रैंडम आधार पर किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को किसी भी कक्ष में निगरानी के लिए भेजा जा सकता है। इनमें करीब 50% निरीक्षक परीक्षा केंद्र के नहीं होंगे। साथ ही इन्हें कक्षा में फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं के दौरान परीक्षा देने वाले का स्कैन, हस्ताक्षर व फोटो का मिलान किया जाएगा। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर जाने दिया जाएगा। साथ ही उनका परीक्षा केंद्र पर ही आधार कार्ड व बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र का आवंटन उनके मंडल से अलग दूसरे मंडल में किया जाएगा। इंडिया 24x7 लाइव TV पर टेक्स्ट रिपोर्ट।